भाभी जी घर पर है क्या? है भाई है, और अगर अभी नहीं है तो आ जाएंगी नई वाली अनीता भाभी जी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मोहल्ले में और घर में एंट्री ले, चलिए हम आपकी मुलाकात करा ही देते हैं, यानी नेहा पेंडसे से और उनके समुंदर किनारे इस ससुराल से। देखकर एकदम मस्त मगन हो जाएंगे आप। सास बहू साजिश पहुंच चुका है नेहा पिंसे के घर, और हम ये पूछ सकते हैं कि भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी बिल्कुल घर पर हैं और बहुत खुश हैं कि मेरे जो एपिसोड्स हैं फाइनली इतने, मतलब पिछले कुछ दिनों से इतना सब बहुचर्चित रहा है कि नेहा पिंसे कर रही है, कैसे करेगी, कॉपी करेगी, फॉलो करेगी, अपना करेगी, कैसे करेगी जी। तो फाइनली अब एपिसोड्स जो हैं वो आने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये जानना चाहेंगे नेहा कि शादी के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं, मतलब ऐसे ये देखिए क्या क्या बदलाव आए हैं। ये तो बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है मेरी ज़िंदगी में। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव मेरी ज़िंदगी में आया है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ डॉग पर्सन। तो इस बात की मुझे बेहद खुशी कि मुझे एक नहीं लेकिन 5-5 कुत्ते मिल गए। हमारे घर में ये एक ही लड़की है, बाकी वो 4 तो मेल डॉग्स हैं। ये जो है विस्की है, हमारा सबसे पहले वाला है, ही इज़ ऑलमोस्ट 9 ईयर्स ओल्ड। हमारा कुकी भी है 6 साल का, और ये है हमारी कपकेक जो हमारी डैशेंड है, ये भी है 4-5 साल की, और ये है 1.5 साल का, ये है चाव चाव। शो शुरू हो रहा है, एक नई जर्नी होगी, तो मतलब थोड़ा सा टेंशन भी है कि मतलब खुशी है, टेंशन है, मिक्स फीलिंग? नहीं, बिल्कुल मिक्स फीलिंग है, क्योंकि देखो पिछले दिनों से क्या हो रहा है, कुछ जैसे वीडियोस बाहर आ रहे हैं वैसे अपचुल होती है ना हर इंसान में कि यूट्यूब पे जाके क्या कमेंट्स आ रहे हैं आपके ऊपर, और कुछ लोग बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत ही कस के, मतलब जूते चप्पल पॉइंट कर रहे हैं। क्योंकि वही है कि सौम्या को इतने सालों से देखने की आदत हो गई, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करती हूँ, एक तरीके की एक्टिंग की आदत हो गई है, एक तरीके की दिखने की आदत हो गई है, तो अब अचानक, अच्छा मैं तो सौम्या हूँ नहीं, मैं तो बहुत ही अलग हूँ, तो उनका वैसे हो गया कि ये कौन आ गई है। तो हंसी भी आती है कभी कभी कि मतलब एक तरीके से अच्छा भी लगता है कि लोग इतने पोजेसिव है इस शो को लेकर कि वो बदलाव नहीं देखना चाहते या वो इतने जुड़े हुए हैं कैरेक्टर से। तो ये बात मुझे उसमें से, मैं हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करती हूँ और उसमें से ये पॉजिटिव चीज़ मैं यही लेके जाती हूँ कि अगर वो प्यार विद टाइम अगर मैं पा सकूँ तो आई थिंक ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। मे आई कम इन? में जब मैं आई तो अनफॉर्चुनेटली तब एक हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया था मुझे, जो लोगों को तब लगता था कि कुछ हार्मोन वार्मोन नहीं है, बस ऐसी मोटी हो गई है खा पी के, इसको कुछ हुआ नहीं है, बट एक्चुअली मुझे बहुत तगड़ा हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वज़न बढ़ गया था मेरा। लेकिन शो ख़त्म होने के बाद उस चीज़ को मैंने रेक्टिफाई किया और ये अपने नॉर्मल वेट पे आ गई। ये मेरा नॉर्मल वेट है दोस्तों, भाइयों बहनों, ये मेरा नॉर्मल वेट है। बट सरप्राइजिंग और बहुत ही पॉजिटिव बात यह है कि लोग एक्चुअली मुझे वैसे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। नमस्ते, अब मैं आपको मेरा लिविंग रूम दिखाती हूँ। सबसे पहले तो जैसे आप देख सकते हैं ये बार एरिया है, ये लिविंग रूम है, ये सोफ़ा है। एज अ कपल हम लोग काफ़ी लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो काफ़ी लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है।
बहुत ही कमाल का व्यू है ये। और मुझे और शार्दुल को, मेरे हस्बैंड को, सुबह सुबह हम जब उठते हैं, जब मेरा शूट नहीं होता है, उनका दिन भी थोड़ा रिलैक्स रहता है, तब हम यहाँ पर बैठ के हमारी पहली चाय कॉफ़ी पीते हैं। ब्रेकफास्ट भी हमारा यहीं पे हो जाता है। ये वो दो फूल हैं। ये एक्चुअली मुझे एज अ पीस बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारा पीस है, और लेके आ गई थी। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा कपल टाइम स्पेंड करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा पर्सनल मीडिया रूम टाइप है। यहाँ पे हम बैठते हैं, यहाँ पे हमारा खाना होता है, और जो जो नई चीज़ें आई हैं, ये मुझे एक बड़ा ही फैंसी, ये मैंने बड़े ही क्या कहते हैं कंफ्यूज थी मैं कि ये ऐसा थीम मीडिया रूम में होना चाहिए कि नहीं, बट कर लिया मैंने और मुझे अच्छा लगा। इट्स क्वाइट कलरफुल एंड इट्स इंटरेस्टिंग। बेडरूम, और ये एक्चुअली है गेस्ट बेडरूम, लेकिन मैंने इसे हड़प लिया है और इसे अपना बेडरूम बना लिया है। ये मास्टर बेडरूम नहीं है। ये इस रूम की एक सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक नियॉन साइन बनवाया है मैंने, लवी यंग रोज, जिसका मतलब है लाइफ लाइक ब्लूमिंग रोज। ये रिमोट से ऑपरेट होता है, तो रात को सारी लाइट्स बंद कर देती हूँ, सिर्फ ये लाइट चालू रहते हैं, और फिर जब ऐसे नींद धीरे 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 मुझे आती है तो मैं उसको बंद कर देती हूँ। अभी मुझे तैयार होना हो, मैं यहाँ पे बैठ के तैयार रहती हूँ। ये चेयर भी काफ़ी मैंने फैंसी बनवाई है, बट इसका ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि जब शाम होती है और सन डाउन जब होता है, तो सन जो है डायरेक्ट इस मिरर में आता है और उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल आपके सामने आता है। सो आई थिंक दैट लुक्स वेरी प्रिटी। रहती हूँ तो खाना खिलाने के बाद मैं उनको वॉक पर लेके जाती हूँ। सो ऐसा रहता है मेरा एक नॉर्मल यूजुअल दिन। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी दिलचस्पी रखने के लिए, और बहुत जल्द मैं आपके सामने एज अनीता भाभी आने वाली हूँ। तो प्लीज़ जैसा प्यार आप मुझे देते हैं, वैसे ही आप अनीता भाभी को भी दें। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। ABP News, आपको रखे आगे।